हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है इस चाय के गप गप चुका है। गोलू गुमी गुमी कर रहे हैं गोली, और हमारे जो केयरटेकर था वो आज हमसे विदाई ले रहा है, और हमें बहुत बुरा लग रहा है। उसकी याद आएगी बहुत ज्यादा, जब जब गोलू रोएगा, जब जब काशी रहेगी, हम सिर्फ उसी को याद करेंगे। बाकी काशी अभी सो रही है, निन्नी कर रही है। और ये है इस घर की मुखिया। यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेकफास्ट में आज है पूरी। और क्या है? पानी लगा दो। ओह माय गॉड, हियर इज ब्रेकफास्ट, आलू के गुटके, पूरी एंड सबकी फेवरेट चाय। चाय के बिना नाश्ता ना अधूरा ही होता है। आज मौसम बहुत साफ है, अच्छा है, सुंदर है, धूप आई हुई है, लेकिन डर है कि गर्मी ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यार यहाँ धूप आती है ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सी उमस वाली गर्मी होने लग जाती है। तो अभी मामी लोग इस घर में नए शिफ्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अभी मतलब उन्होंने अच्छे से कुछ गार्डनिंग करी नहीं है, अब कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी यहाँ पे वो लगा दिए हैं छोटी 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 पौधे, और पीछे हवा चल रही है बाहर यार, वाह। कपड़े ड्राई हो चुके हैं, ऐसा करते हैं पहले इन कपड़ों को छत में डालकर आ जाते हैं। छत में नहीं, शायद बाहर ही डालूंगी, बाहर भी तार लगी हुई है ना, एक वहाँ पर भी सूख जाएंगे, वरना कौन भागते भागते छत में लेकर जाएगा। ये कपड़े आज सुबह ही धुल गए हैं, हल्की सी हवा लगानी है बस। यहाँ पर तार डाली हुई है ना, यहीं पर डाल देती हूँ इनको। तो अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट। बाहर हो रहा है आज कूलर साफ, तो पटाखे सुनो, उस रूम में इधर आओ, देखो आप लोग देख रहे हो। मैं आप लोगों को तो दिखाना ही भूल गई कि मैं वहां से क्या टी शर्ट्स लेकर आई थी अपने लिए। टाइम नहीं मिल रहा यार, इतना बिजी है, पता नहीं तुम कहां जा रहे हो। बल्कि आज हमने ना इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, घर का काम धाम कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग बिजी हैं। बच्चे हैं ना घर में, इसलिए ना कभी कोई रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, कभी कोई पकड़ रहा है, कभी कोई पकड़ रहा है, एक एक करके काम हो रहा है, और एक एक करके मतलब बच्चों को भी देखा जा रहा है, इसलिए ना वो नहीं मिल पा रहा, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं आप लोगों को टी शर्ट दिखाऊं। तो यार टाइम बनकर दिखा दूंगी, ऐसे लेती हूं, तो आज मैं ये वाली टी शर्ट पहन रही हूं। और परसों ना लिपस्टिक से ना इसने ये वाली टी शर्ट खराब करी थी अपनी, और मैंने इसे जस्ट नई पहनाई थी, मैंने उसी टाइम टैग निकाला था, और इसने देखो क्या हाल करा टी शर्ट का। भाई बच्चे भी ना दिमाग खराब यार, नई टी शर्ट है बिल्कुल न्यू, और खराब होगी पूरी। उस रूम में ना गोलू रो रहा है यार, वो ना बोल रहा है गोदी, ज्यादा गोदी की आदत हो गई, इसलिए ना वो उसको बैठाते हैं, लिटाते हैं, वो रोने लग जाता है, गोदी पकड़ो गोदी पकड़ो। इसलिए एक बंदा उसके लिए चाहिए हमें परमानेंट यहाँ पे। ये मैडम का अलग ही चल रहा है यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ ना पहले मैं काशी को ही नहला देती हूँ, क्योंकि यार उसके बाद ना ये मुझे ना भिगा देती है, मतलब पकड़ती रहती है, झपटती रहती है, इसलिए ना मैं भीग जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले काशी को ही नहला देती हूँ बाहर, बाहर नहलाने में सन बात करवाऊंगी मैं इसको, उसके बाद मैं नहाऊंगी। कपड़े ढूंढते हैं पहले मैडम जी के।
सुंदरी तो नहा चुकी है, टकलू हमारी नहा गई है और सुनील आज जा रहा है। सुनील हमारा क्या होगा इन बच्चों के साथ, हमारा केयर टेकर जा रहा है। बेबी सिटर था ये सुनील हमारा। फिर मिलते हैं। चलिए आपके चाचा जा रहे हैं, देखने आ रही है वो। पर अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, 12 बजने वाले हैं यार। गोलू मेरे हाथ में है, अभी मामी जा रही है मिस्टी को लेने, स्कूल का टाइम हो रहा है, 12 बजे छुट्टी जाती है, 12 बजने वाले हैं। शनी ये पता है यहाँ पे बैठ के ना मैडम जी मिट्टी खाती है, क्या बोले मिट्टी देखो ना, तो मिट्टी चट उठा के मुंह में डाल लेती है उसमें से निकाल के। और अभी मामी जा रही है मिस्टी को स्कूल लेने, क्योंकि 12 बजे उसकी हो जाती है छुट्टी। सुनील को भी आगे तक मामी ड्रॉप कर देगी। यहाँ से ना ये इस गली मतलब ये जो एरिया है ना, इससे बाहर निकलते ही रामनगर की मेन हाईवे स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से दिल्ली के लिए बसें मिल जाएगी। सुनील आज दिल्ली जा रहा है। एक हफ्ते वो हमारे साथ रहा, हमें अच्छा लगा क्योंकि वो हमारे बच्चों को संभालता था। कभी एक का संभालता था, कभी दूसरे का संभालता था, हमारी बहुत हेल्प करता था, हमारी बहुत हेल्प करता था, बहुत अच्छा लगा उसके साथ। वहाँ पे काश भी मिट्टी खा रही है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आपको अभी बताती हूँ इसको। मिट्टी खा रही, धूप में गई, इसके पैर गर्म। शनी रुको, करो पढ़ाई, नो गंदी बातें, फिर दूध भेजो, इधर आ जाओ शनी। यहाँ पे मिस्टी आ गई है स्कूल से, और ये दोनों इतने खुश हुए हैं, हमारे घर के बच्चे नन्हे मुन्ने अपनी दीदी को देख के। ये काश्मी की बुआ है मिस्टी। मिस्टी बुआ आप स्कूल नहीं थे क्या? मेरी सबसे छोटी बुआ है वो। मिस्टी अभी खुद ही 5 साल की है और इसको उठा रही है। अभी 1 बज गए हैं, और यार हम ना पहले तो हम कढ़ी चावल बनाने वाले थे, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया और अब हम बना रहे हैं पिज्जा, और हम बना रहे हैं रोटी वाला पिज्जा। पता नहीं कैसे बनेगा। तो दोस्तों हम सो के उठ भी गए हैं, अभी बज रहे हैं 4:30 होने वाले हैं, और यहाँ पे मुझे भी उठा दिया है, वो भी जबरदस्ती। इन लोगों की नींद पूरी आती है छोटे बच्चों की, तो ये हमें भी उठा देते हैं, भाई तुम भी उठो, मामा के लिए उठे। शाम को मौसम इतना सुंदर लग रहा था, सनसेट हो रहा है सामने, इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मामी का कज़न ब्रदर आया है, जो इन चुटंकों के लिए चॉकलेट्स लेकर आया था, जिसमें से मैंने ये वाली टपका ली। और आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड जरूर करें। मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। ओके बाय।